आगे तुम उसे एक्सेप्ट तो करो कि तुमने बच्चों को घुस के मारा है लाइब्रेरी में, आंखें फोड़ दी हमारी बच्चियों के प्राइवेट पार्ट पर तुमने मारा 5 दिन पहले। क्या है ये, यहूदियों के तरह एक्ट कर रहे हो तुम? जिस तरीके से यहूदी हुकूमत कर रहा है फिलिस्तीनियों के साथ कर रहा है, उस तरीके से तुमने यहाँ करना शुरू कर दिया, पूरे हिंदुस्तान में तो वही कर रहे हो। एंड दिस इज नॉट गुड। पुलिस ने ट्रंप आ रहा होगा हवाई जहाज से, उसे हम देखेंगे नहीं क्या? असल में दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, वो भी यहूदियों के समर्थक है, ये भी यहूदियों के समर्थक है। मेरा नाम शाह प्यारे मियाँ अजीजी अबुलई, मैं सज्जादा नसी हूँ खानका अजीजी अबुलई। मैं आप पूछ रहे आज के बारे में, मैं आपको आज के बारे में बता रहा हूँ। आज जो फैसला तो हुआ नहीं है, सुनवाई की गई, और ये हमारा मौलिक अधिकार है सब। सुप्रीम कोर्ट को पता है, सुप्रीम कोर्ट को खूब पता है। लोग समझ रहे हैं साहब हटा देंगे, आज ऑर्डर कर देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो दिस इज़ नॉट द वे। एक्चुअली लॉ अपनी जगह है, सरकारें आती जाती रहेंगी, सरकारें आती जाती रही हैं, आगे भी नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह रहेगा, संविधान हमारा अपनी जगह रहेगा, हम नहीं होंगे, आप भी नहीं होंगे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट, संविधान भी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट भी रहेगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में। नहीं, देखिए संविधान तो खतरे में है, क्योंकि जिस हिसाब से संविधान की, अब वो कोई पार्टी आएगी अपने मैनिफेस्टो को संविधान बना देगी, तो फिर संविधान की मतलब क्या गरिमा रह जाएगी? फिर दूसरी पार्टी आएगी, वो अपना मतलब एक मैनिफेस्टो लाएगी, वो चेंज कर देगी संविधान में, और फिर तीसरी आएगी, चौथी आएगी, तो संविधान तो खत्म करने का मतलब बात हो गई ना। संविधान जो हमारे रचयिता ने बनाया है, सारे लोगों ने, हमारे बाप दादा ने, एक बड़ी सोच के साथ, बड़ी जद्दोजहद के साथ, सेकुलर आइन, असल में क्या है कि ये अभी इसको जिंदा रखना चाहती है गवर्नमेंट। CAA प्राइम मिनिस्टर फिर बोलता है बनारस से, कल ही बोला, हॉरिबल लगता ही नहीं कि कुछ पढ़े लिखे लोगों से बात हो रही। यार मुल्क बड़ा पढ़े लिखे लोगों का है भाई, 130 करोड़ लोगों में समझे ना, 100 करोड़ लोग पढ़े लिखे हैं, समझे ना, आप कानून भी जानते हैं, लॉ भी जानते हैं, आप ये कह रहे हैं कि CAA, आप CAA को लेकर के बिहार का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप CAA को लेकर के बंगाल का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप CAA को बरकरार रख करके मुसलमानों का राइट वोटिंग जो है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, आप सिर्फ चाहते हैं कि 5 करोड़ मुसलमान वोटिंग राइट कराए जाए ताकि ये वोट में हिस्सा ना ले सके। क्या बात, लेकिन सर CAA को लेकर दिल्ली का चुनाव तो लड़े थे, मुक्की खानी पड़ी। देखिए उन्होंने कहा बटन दबेगा, ऐसा बटन दबा कि साहब वो रिवर्स कर गया 440 वोल्ट का, और शाह गिरे चित हो गए, धड़ाक से गिरे, और सारा मामला साफ है आपके सामने। अब उनको प्रैक्टिकल नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से इलेक्शन, चूंकि अभी लड़का बोल रहा था, हम सुन रहे थे, बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, समझे ना, चरम सीमा पे, सुरक्षा नहीं है हमारी माँ बहनों की, बेटों की, बेटियों की, किसी की भी नहीं। तो इसको सिर्फ छुपाने के लिए, इसको दबाने के लिए वो ले आए इसको, जो आसाम में ऐसा सुना हमने, बड़ी बड़ी अजीब सी बात सुनी, आपने भी सुनी होगी, आपने सुनी, सुना है मैंने कि वो डाटा जो था चोरी हो गया, जो NCR हुआ था आसाम में, वो चोरी हो गया। नहीं, रक्षा मंत्रालय से फाइल भी चोरी हो जाती है, तो हाँ, कोई नहीं, नहीं, अरे कमाल है भाई, फिर इसका मतलब इसका तो कोई बड़ी बात, अरे कमाल है भाई, अरे कमाल है भाई, कैसी गवर्नमेंट है भाई, वो वहाँ से डाटा, अरे इसका मतलब है कि जो आग लगाई जाती है, फाइलें जलाई जाती हैं, जानबूझ के जलाई जाती हैं, आपके 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 कहे के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, नहीं आप कह रहे हो, नहीं राफेल की फाइल चोरी हुई, यार आप कह रहे हो चोरी होती है, तो चोरों की सरकार है क्या, सब कुछ चोरी हो जाता है, लोग चुरा ले जाते हैं, ऐसे ही है ना, आप ही कह रहे हो, मैं नहीं सर, मैं यही कह रहा, आप कह रहे हो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आपकी बात सही है। अब आप सुनिए, ये सरकार क्या चाहती है, सरकार 4 साल, देखो जिंदा कौम है 5 साल इंतजार नहीं किया करती, जिंदा कौम है 5 साल इंतजार नहीं करती, और जिन लोगों ने, करोड़ों लोग अभी जिंदा हैं जिनके बाप दादा ने, उसमें से मैं भी एक हूँ, जो एक फ्रीडम फाइटर की औलाद है, इस मुल्क को आज़ाद कराया है, खून दिया है, और उस खून को आप ऐसे रायगा चाहते हो जाए, नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे आ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट को देखिए, ये क्या समझ रहे थे कि साहब वो चर्चाएं चला दी कि हमारे लोग, बड़ी गंदी बात, दिस इज नॉट द वे। सुप्रीम कोर्ट को बदनाम इस तरह नहीं करना चाहिए। हमने कल दिया था एक छोटी सी बैठ, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे सर माथे, हम सर झुका के तस्लीम करें, और करना भी चाहिए,
होना भी चाहिए। और नंबर दो, हम गद्दार हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे एक सवाल है सर, आपने कहा कि हम सहमत हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले, लगातार पीछे कुछ दिनों से देखा जा रहा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे भी लोग आवाज उठा रहे हैं, चाहे बाबरी मस्जिद का हो, SC ST एक्ट को लेकर हो। अभी मुझे वहाँ मत ले जाओ, रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमसे इसकी बात करो, रिजर्वेशन के ऊपर भी आ जाते हैं। ये चाहते हैं CA के जरिए से सब कुछ खत्म करना, वो रिजर्वेशन भी उसमें शामिल। वो कह रहे हैं सर मनुवादी हो चुकी है जुडिशरी सिस्टम पूरा। जुडिशरी सिस्टम को मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, आप मुझसे अपनी जबान मत डालिए मेरे मुंह में, सारे 22 नहीं है। अरे यार, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कानून जानते हैं, लॉ जानते हैं। अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज नॉट अ लिटरेट पर्सन, आई हैव सीन है कैमरे यार। तो मतलब एक तुम मतलब जाहिल आदमी से बात नहीं करो बेटा, कभी मौलवी समझो, दाढ़ी रखे हो, मौलाना समझो, तो मुझे समझ लो पहले इस बात को। असल क्या है, मैंने 35 साल लेबर लॉ की प्रैक्टिस की इसी दिल्ली के अंदर, लेबर लॉ मैं लेबर लीडर रहा यहाँ। अब वो मेरे पीर की नज़र हो गई, मैं सूफीज़म में चला गया, इट्स ए सेपरेट थिंग। सवाल इस बात का पैदा होता है कि आप कानून की अवहेलना मत कीजिए, संविधान की मत कीजिए। एक आदमी निकलता है टेलीविज़न पे, आता ऐसी बकवास करता है, मैं उन्हें गाली तो नहीं दे सकता, वो गाली से बदतर बात करता है वो आदमी। कुछ लोग अभी मैं सुन रहा था, अरे यार वो वीडियो आ गई, तुम उसे एक्सेप्ट तो करो कि तुमने बच्चों को घुस के मारा है लाइब्रेरी में, आँखें फोड़ दी, हमारी बच्चियों के प्राइवेट पार्ट पर तुमने मारा 5 दिन पहले। क्या है ये, यहूदियों के तरह एक्ट कर रहे हो तुम? जिस तरीके से यहूदी हुकूमत कर रहा है फिलिस्तीनियों के साथ कर रहा है, उस तरीके से तुमने यहाँ करना शुरू कर दिया, पूरे हिंदुस्तान में तो वही कर रहे हो, एंड दिस इज नॉट गुड। पुलिस ने भी दो वीडियो जारी करी। देखिए, पुलिस ने वीडियो जारी की, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बच्चे के हाथ पत्थर नहीं है वो, मैं बता देता हूँ, पुल खुल जाएगी। पत्थर चला रहा होता तो रोड पे होता, वो छुप करके लाइब्रेरी में नहीं बैठता, अपनी जान बचा रहा था जब घुसे ये, अपनी जान नहीं बचाएगा आदमी। अरे गोली मार रहा था तो गोली उसने ऐसे बॉल समझ के गोली को पकड़ा, वो समझ रहा था कि बॉल है ये। दिलेरी देखिए, मत इनको उकसाइए, हम लाठी डंडा नहीं चलाएंगे, हम गोली नहीं चलाएंगे, हम शांति प्रिय लोग हैं, गांधीवादी प्रथा के मानने वाले हैं, ये मुल्क हमारा है, तुम्हारे बाप का नहीं है। सर एक सवाल है मेरा, इस देश के जो होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि CA आप लोगों ने पढ़ा नहीं, और विपक्ष के कहने में ये PM मोदी भी कह रहे हैं आप लोग गुमराह होकर सड़कों पर उतर गए, हर कई जगह हिंसा का आंदोलन। मेरे साथ बैठा दो शाह को, 2 पेज का कवरिंग लेटर है NCR का, और अब तो NCR की भी जरूरत नहीं, NPR ला रहे हो। NPR itself is NCR, सुन लीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। आपने NPR पे अगर दस्तखत कर दिया तो आपका NRC हो गया। तो NPR तो कांग्रेस भी लाई थी। NPR लाई थी, but there wasn't such thing, उसमें चेंजेस तो नहीं थे ना। तुम दादा का नाम बताओ। नहीं, मोदी जी। एक सेकंड, मैं आपसे बड़ा टेढ़ा सवाल करने जा रहा हूँ। अब बेटा तुमने सुना नहीं होगा आज तक किसी से हिंदुस्तान में, ये साधु 10 करोड़ हिंदुस्तान में नागा जिनके तन पे वस्त्र नहीं है, वो कहाँ से कागज लाएंगे? उनको CAM के जरिए से तुम मतलब बचाओगे? यही है ना तुम्हारा, कहो ना। और एक बात बताओ, दासी प्रथा है ना, है मंदिरों में, है ना? हाँ, कुछ एरियो में है यार, है ना? हाँ बोलो ना, टाइम है ना, उनसे जो 25 करोड़ औलाद नाजायज पैदा हुई है, अपने बाप का नाम कैसे बताएगी और अपना पता कैसे देगी? बहुत बड़ा सवाल है ये, बहुत बड़ी, हमसे कह रहे हो है? हमसे कह रहे हो तो अगर अगर सर इसको NRC देश में लागू नहीं होता तो फिर तो CA का कोई मायने नहीं रहेगा ना। नहीं ना, अरे मैं कह रहा हूँ NRP CA का बाप तो NRC है, NPR रहेगा, CA तो ये बंगाल के इलेक्शन तक चला रहे हैं। अभी देखिए ऐसा है, 22 तारीख आपके पास है, ये आएगा इसका मंडे को, इसकी हियरिंग है, बातचीत के टेबल पे टॉक होती है, बड़ी बड़ी जंगों का फैसला टेबल पे हुआ है, बड़ी बड़ी हाँ डायलॉग से हुआ है। हम लोग भी यहाँ के लोग भी जो इसमें है समझदार लोग, पढ़े लिखे बैठेंगे, डायलॉग करेंगे, जो जिम्मेदार लोग हैं, समझे ना, हम लोग तो उनके बाप हैं, सरपरस्ती कर रहे हैं, चूँकि हमें उनके फ्यूचर का मतलब फिक्र है ना, इसलिए यहाँ खड़े हैं और बोल रहे हैं। बाकी तो नौजवान हमारा है, बेटियाँ हमारी हैं, माँ हमारी हैं, दादी हमारी हैं, बैठी हुई वो चला रही लोग। सर एक सवाल लीजिए, लोग एक चीज जानना चाह रहे हैं कि
जो शाहीन बाग की दादियाँ हैं जब वो अमित शाह के दरवाजे पे जाते हैं वो क्यों डरे हुए, क्यों बात नहीं करना चाहते? देखिए देखिए, मैंने आपसे बताया ना, पढ़ा लिखा आदमी हो तो बात भी करेगा। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है लॉ मिनिस्टर के बारे में कि यार लॉ मिनिस्टर है और वो पढ़ा लिखा वकील भी है और वो कभी कभी ऐसी बात करता है जैसे कि मतलब अनपढ़ कोई बात कर रहा हो। मुझे बड़ा वो लगता है, आदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ, लॉ मिनिस्टर है मेरा, है ना, मैं इज्जत करता हूँ, होम मिनिस्टर है मेरा, इज्जत करता हूँ। लेकिन यार तुम चमन्नी छाप वाली बात करते हो, मैं बिल्कुल इलाहाबादी भाषा में बात कर रहा हूँ आपसे, ऐसा लगता है कि कोई जाहिल आदमी सामने बात कर रहा हूँ, कैसा लगता है? क्या है, हर जगह आप मतलब बेचते हो, वोट खरीद रहे हो, हर जगह वोट, जहाँ जाते हो वोट की एडवर्टीजमेंट, ऐसा लगता है कि इलेक्शन ख़त्म ही नहीं हुआ। जहाँ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, वहाँ वो ऐसी बात की स्पीच देते हैं जैसे कि वो कंपेनिंग कर रहे हैं, समझे ना। मार्केटिंग बड़ी अच्छी करता है वहाँ सर, एक लेकिन फेल हो गया है, लेकिन फेल हो गया है, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा नहीं चलती है। सर एक आखिरी सवाल चलते चलते जी, 22 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं अहमदाबाद दौरे, 26 को आ रहा है, नहीं नहीं 26 को आ रहा है, 26 तक रहेंगे, 22 तारीख को फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट का, सुनिए CAA पे 145-46 कितनी मतलब वहाँ पर रिट दायर है, उसके पहले ही आएगा आपका यहाँ का फैसला, है ना, बातचीत से होगा, क्या होगा उसमें ईश्वर जाने, अल्लाह जाने क्या होगा कल। तो सर मेरा सवाल ये था, जो अहमदाबाद में झुग्गियाँ थी उनमें एक बड़ी सी दीवार, बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मैं आ रहा था वहाँ पे, दरअसल में आज यही बात तो छुपाना चाहते हैं, अब ट्रंप आ रहा होगा हवाई जहाज से, उसे हम देखेंगे नहीं क्या? असल में दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, वो भी यहूदियों का समर्थक है, ये भी यहूदियों का समर्थक है। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ, अगर आपके समझ में आ जाए तो ठीक है।